सरहद पर जब चिट्ठी आती है उसी के साथ अपनों के जज्बात भी ले आती है। कई लड़ाइयां लड़ता है बहादुर जवान, पर इन जज्बातों की लड़ाई में उसकी भी आंख नम हो जाती है। धुंधली हुई नजरें हर रोज तुझे ढूंढती हैं। तू सरहद पर रहता है, तेरे माँ के पास बस तेरी याद रहती है। कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं। मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। क्या फिर एक बार मेरे हाथ में तेरा वादा नहीं होगा? क्या इस साल भी राखी पे तेरा आना नहीं होगा? दोनों के दिलों में सवाल है, फिर भी है खामोशी। तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। दिल की है कैसी मजबूरी। ये कलाइयाँ आपकी दी हुई चूड़ियाँ तो पहन लेती हैं, पर आपके इंतजार में ये चूड़ियाँ भी अब खामोश रहती हैं। कैसी उलझनों के ये जाल हैं, जिनमें उलझे हैं दिल। अब होना है क्या हासिल, कोई क्यों कहे। पापा, मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाना चाहती हूँ, फोन पर नहीं। मैं आपकी गोद में बैठकर बात करना चाहती हूँ। कितनी बातें कहने की हैं, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो। अपने जज्बातों को दिल में दबाकर भूल गया वो माँ, बेटी, दोस्ती, यारी। लिख पाता जवाब वो भी उस चिट्ठी का, अगर बंदूक में ना फंसी होती उसकी उंगलियां सारी। एक सलाम उन परिवारों के लिए जिन्होंने सौंप दिया अपना बेटा इस तिरंगे के नाम। जय श्री गोगोई एंड अनुराधा। जय श्री अनुराधा। मैं अभी भी बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ आपकी परफॉर्मेंस से। वॉट अ ब्यूटिफुल ट्रिब्यूट टू ऑल आर जवान्स। और जो भी हमारे देश में हो रहा है, आई एम श्योर आपकी अगर ये परफॉर्मेंस उन्हें देखने का मौका मिले तो बहुत ही, आई मीन इट्स ब्यूटिफुल, रियली रियली वेल डन। जब एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो तो शब्द नहीं मिलते, बस ताली मिलती है आपके लिए। भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आप मेरी शादी कैसे कराओगे? तुम्हारी शादी तो मैं बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा, ठीक वैसे जैसे भगवान राम और सीता मैया की हुई थी।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि ये आपका गाना है, स्टार्टिंग विथ यू, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी दिस वन सॉन्ग टू मी इज लाइक अ होल फिल्म, क्योंकि गीता माँ जानती है मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, वैसे मैं अच्छी डांस करने की एक्टिंग करती हूँ, और मुझे कथक करना था माधुरी मैम के सामने, सो आई रियली रियली वर्कड वेरी हार्ड टू परफॉर्म, बट आज ये देख के आई एम फीलिंग सो इमोशनल, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस आपने दिया है 6 साल की उम्र में इस अदा से और इस अमेजिंगनेस से आपने जैसे डांस किया है, आई थिंक अगर अभिषेक सर हमारे जो डायरेक्टर हैं आपसे पहले मिले होते तो आपसे डांस करवाते मेरे से नहीं। मैं आपका एक्सप्रेशन देख रही थी, आपका जो स्पिन्स देख रही थी, आपने मेरा हुक स्टेप भी किया। First time somebody is performing my song on stage, so the feeling is something else only. So thank you, मैं super dancer से thank you कहना चाहूँगी कि आपने ये thank you and thank you. मैं जितनी तारीफ आपकी करूँ रुपसा वो कम होगी. आपने जो किया है ना 6 साल की उम्र में वो अच्छे अच्छों से नहीं होता और बड़े बड़ों से नहीं होता. बट स्पेशल मेंशन मैं करूंगी निशांत के लिए. मुझे इतना खूबसूरत लगता है जब एक आदमी इंडियन क्लासिकल डांस करता है, उससे बेहतर ग्रेस और स्ट्रेंथ का प्रदर्शन और कोई डांस फॉर्म में नहीं होता. एंड यू हैव डन इट सो वेल निशांत, इट्स ब्यूटीफुल. मैं इनफैक्ट वरुण को बोली थी यू शुड ट्राई इंडियन क्लासिकल डांसिंग बिकॉज आई थिंक ही विल आल्सो किल इट इन इट. एंड यू वर अमेजिंग निशांत. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ये इतना खूबसूरत एक्ट था. और रूपसा आप मतलब आई एम शॉक्ड कि आप 6 साल की हो, मतलब आप ऐसे हिल रही थी, मुझे लगा कि कोई पपेटियर मतलब ऊपर से आपका आपके आर्म्स मूव करा रहा था. और टू हैव
this kind of intelligence, ये उम्र में इस तरीके के डांस का इंटेलिजेंस पता नहीं. Totally. I'm not understanding कि ये क्या हो. Yeah, we also don't understand. रुपसा नृत्य के लिए एक तोहफा है. अच्छा है. रुपसा सच्ची में आपने मतलब I actually want कि आलिया जी आपके साथ आके थोड़ा डांस करे इस गाने पे. कहीं मांगलिक तो नहीं है फिर भी घर पे बैठ इसकी उम्र में तो सुनता कि दो दो बच्चे हो गए थे. अरे ऐसे भी कौन सी बात है. कहीं मांगलिक तो नहीं है. वो देखे everybody like right there everybody make some noise for Aryan and Avastha. Avastha and Aryan इतना ताकतवर performance जो तुमने दिया है तुम्हारे अंदर की ताकत झलक के बाहर आई. मैं सच बोलूँगा कि I expected this क्योंकि मैं Aryan को तब से देख रहा हूँ जब से उसकी शुरुआत थी मेरी भी शुरुआत थी इंडस्ट्री से उस वक्त और दिस बॉय उसमें एक आग है जेन्युइनली एक आग है और वो ज़्यादा बोलता नहीं है वो परफॉर्म करके दिखाता है. बट मुझे जो मैच्योरिटी दिखी इस कोरियोग्राफी में कि अवस्था का जो सोलो था जो आपने कोरियोग्राफ किया वो इतना ब्यूटीफुल था इतना क्लीन था. अवस्था बोलते ना कीप डांस इन योर पॉकेट तो एग्जैक्टली बीट पे आप मार रहे थे इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था. और ऐसा नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल बीट पे लग रहा था इसलिए हम लोग को दिल पे लग रहा था. And I've always been a big fan of you, yours, Aryan. मैंने आपको पहले भी बोला है मैंने हर शो पे बोला है जब भी मैं आपसे मिला हूँ. And I'm this is one loyal fan. मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ. I'm always going to be your fan. Awesome. Thank you so much.
मुझे अभी भी महसूस हो रहा है जो अग्रेशन और जो आपके मूव्स थे, आई थिंक मुझे यहाँ तक फील हो रहे थे. Your dance was so powerful, Aryan aur Avastha. And tod dala, phod dala, aag laga diya wo. Thank you so much. Avastha, I was in shock to be honest, क्योंकि आपका जो face पे character दिख रहा था मुझे at such a young age, जिस passionate तरीके से आपने dance किया, I mean dance तो of course you're a super dancer, you're a super से ऊपर dancer, but there was something आपके जो एक body language में एक एक समझ थी कि आप क्या क्या dance कर रहे थे, जी करदा, इसके जो loves है बहुत strong loves है, and you all both understood that. Not for a second did I bat an eyelid also. Too talented, yeah. I really feel very 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 small when I come in, you know, this platform and see this kind of talent. Thank you so much for inspiring us. Thank you, ma'am. Thank you so much. दादा भी रेडी? अरे वो कुछ बात ही नहीं कर रहा. ये बच्चे इतने हफ्तों में हमारे बच्चे वैसे हो गए जी. तो घर में जब मेहमान आके जो बच्चे की तारीफ करते तो माँ बाप का कैसा छाती फूल जाता है. हमारा छाती फूल रहा है और ये इन बच्चों की वजह से. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.